स्वागत है आपका एसबीएन न्यूज में। आइए लुक करते हैं कुछ खास। मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का विरोध करने पर महिला की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला धान के खेत में काम करने के लिए गई थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस की दो टीमों ने गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया है। एसपी देहात संदीप मीणा ने बताया कि बिलारी थाना क्षेत्र के भूड़ मवेशी निवासी गोपाली ने 8 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया गया था कि उनकी पत्नी दोपहर को धान की पौध लगाने के लिए खेत पर गई थी, इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने अगले 9 जुलाई को महिला का शव गन्ने के खेत से बरामद किया। एसपी देहात ने बताया कि आरोपी की तलाश करने के लिए दो टीमें गठित की गयी थी। संदेह होने पर गाँव के लाल सिंह पुत्र रंजीत को हिरासत में लिया गया। लाल सिंह ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि 48 वर्षीय महिला धान के खेत में काम कर रही थी, तब वह पास में ही खेत में कुछ काम कर रहा था। मौके का फायदा उठाकर महिला के साथ उसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर उसके नाले से ही फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया है। 9 की तारीख रात को मृतका के पति हैं गोपाली, उन्होंने सूचना दी पुलिस को कि उनकी पत्नी दिन में 8 तारीख को 3 बजे के करीब खेत में जो धान की पौध लेने गई थी और वो शाम को 6 बजे तक वापस नहीं लौटी, तो हमने उसकी तलाश की थी। तो ये सूचना उन्होंने रात की के करीब 12 के आसपास दी पुलिस को। तो पुलिस के द्वारा जब ये सूचना मिली, थाने से टीम गठित हुई और उसने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो आसपास के जितने भी गन्ने के खेत थे और धान के खेत थे, उसमें उनको खोजा गया और आसपास के गांवों में भी खोजा गया, लेकिन इसमें करीब रात्रि को ही करीब 3-4 बजे के आसपास जब पुलिस सर्च कर रही थी, तो वहां पे एक ईख के खेत में मृतका जिसका नाम ओमवती था, पत्नी गोपाली, उसका शव मिला। शव मिलने पर फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और शव को घर वालों से शिनाख्ती की गई, तो घर वालों ने उसको आइडेंटिफाई किया, ये गोपाली ने आइडेंटिफाई, ये उसकी पत्नी है। इसी में पुलिस लगातार इस मर्डर केस को खोलने का प्रयास कर रही थी। इसके लिए हमने थाना स्तर पे दो टीमें गठित की, एक SOG की टीम गठित हुई, एक सर्विलांस की टीम गठित हुई और एक CO साहब के निर्देश की मतलब पर्यवेक्षण में एक टीम गठित हुई। तो टीमों का जब गठन हुआ तो हमने सारे तथ्य और सारे साक्ष्य संकलित किए और इसमें जो आसपास के लोग जो उस वक्त खेत पर काम कर रहे थे, उनसे भी हमने पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में ही जो चीज़ सामने आई, उसमें ये आया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था लाल सिंह पुत्र रंजीत निवासी, ये भी उसी गांव का रहने वाला है, भूड़ बरेसी का, और उसी गांव में ही ये खेत है, ये भी पास के खेत में वहीं काम कर रहा था। जब इससे हमने इसको हिरासत में लेके पूछताछ की, तो इसने मतलब ये इधर उधर की सूचनाएं दे रहा था, तो हमें इस पर शक हुआ। तब हम पूरी तरह जब निश्चित हो गए तो हमने इसको हिरासत में लिया और इससे भी जब पूरी चीज़ें बात की अच्छे से, तो इसने बताया कि ये जो ओमवती है पत्नी गोपाली, ये धान के खेत में जब पौध निकालने का कार्य कर रही थी, तो इसी बीच में ये घास काटने के लिए गन्ने के खेत में गई थी, तो वहाँ पर इसको जाते हुए देखकर ये इसके पीछे पीछे चले गया और वहाँ जाकर इसने कहा कि मेरी नीयत ख़राब हो गई, तो वहाँ पे इसने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो इस महिला ने कहा कि मैं आप जो ये कर रहे हो इसकी जानकारी आपके परिवार को और अपने परिवार को दूंगी और मैं इस पर पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। तब इसको डर लगा, इसको लगा कि ये कहीं जाकर बाहर बता देगी, तो इसने डर में, इसका जो बयान है, इसने कहा कि मैंने डर में आकर उसका मुँह दबा दिया और जब ये बेहोश हो गई तो मुझे लगा कि इसको मारना ही उचित है, तो इसने उसके पेटीकोट के नाड़े को निकाल कर उसके गले में बांध दिया और जब उसके गले में आया उसका सांस रुक गया, तो उसकी वहाँ उस वजह से उसकी मृत्यु हुई। और इसमें उसी वक्त तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया था, शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया था और इसमें अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी साक्ष्य के आधार पर, उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।